सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज दीपक एंड आई एम हियर अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक में होने वाली है। सो आज के वीडियो में मैं आपको दूंगा कुछ आसान सी ऐसी टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने बालों को पहले से ज्यादा डेंसर, स्मूदर और स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं। तो आज की जो पहली टिप है वो ये है, डेली डेली शैम्पू अपने बालों में नहीं करना है। अगर आप अभी तक डेली डेली शैम्पू करते आए थे तो आपको अब डेली डेली नहीं करना है। अगर आपको डेली वॉश करना अपने हेयर्स को पसंद है तो आप कर सकते हैं, लेकिन शैम्पू के साथ नहीं, क्योंकि शैम्पू हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है और जितने भी नेचुरल ऑयल्स है वो उन्हें वॉश कर देता है और वो हमारे स्कैल्प के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। सो अगर आपको डेली वॉश करना है तो आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कंडीशनर इतना हार्श नहीं होता हमारे स्कैल्प में, उसमें नेचुरल ऑयल्स होते हैं, सो उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप घर पे हैं तो आपको सिर्फ वीक में एक दिन ट्राई करना है शैम्पू करने का, और अगर बाहर जाना है आपको, कहीं ज़रूरी है आपको, घर से बाहर जा रहे हैं तो आप कर सकते हैं शैम्पू, इट्स ओके, बट मैक्सिमम दो बार ही शैम्पू करना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं वीक में। सो गाइज, आज की जो सेकेंड टिप है वो ये है कि डोंट बी एग्रेसिव। इसका मतलब है कि आपको जब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है अपने हेयर्स को लेके, जब आप शार लेके आ रहे हैं या बाथ लेके आ रहे हैं तो आप अपने हेयर्स को बहुत ज़्यादा ऐसा रगड़ रगड़ के टॉवल से ड्राई ना करें, क्योंकि उससे आपके बालों को बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है और वो टूट भी सकते हैं बहुत ज़्यादा। सो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता हमारे बालों के लिए। सो आप ट्राई करें कि हम पैट ड्राई करें अपने हेयर्स को। पैट ड्राई ऐसे ऐसे करते हैं, आपको पता ही होगा पैट ड्राई क्या होता है। सो आपको हमेशा एक सॉफ्ट टॉवल यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा रगड़ना नहीं है। गेट सम आर्गन ऑयल। अगर आपको अपने बालों को स्ट्रॉन्ग और डेंसर करना है तो आपको आर्गन ऑयल यूज़ करना ही पड़ेगा। आर्गन ऑयल बहुत अच्छा ऑयल होता है, वो हमारे हेयर्स को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और मुझे लगता है कि हम सबको आर्गन ऑयल यूज़ करना चाहिए। सो गाइज, मैं एक हेयर ऑयल यूज़ करता हूँ जिसका नाम है इमामी 7 ऑयल्स इन 1, और ये कोई ऐसा वैसा ऑयल नहीं है, इसमें 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट हेयर ऑयल्स मिक्स हैं। इसमें सबसे पहले तो जो मेन चीज़ है वो है आर्गन ऑयल, और इसमें कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, और भी बहुत सारे 7 टाइप्स के एलमंड ऑयल और वॉलनट ऑयल भी है। सो गाइस, ये बहुत अच्छा हेयर ऑयल होता है हमारे लिए। आप इसे एक सीरम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे ऐसे 2 ड्रॉप लेके ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा लाइट हेयर ऑयल है और इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत ज़्यादा माइल्ड है। सो आप डेफिनेटली ये यूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, और इसे मैं भी यूज़ करता हूँ, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मिसलेनियस फैक्टर। बेसिकली गाइस, ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हैवी हेयर प्रोडक्ट्स और दूसरे होते हैं लाइट हेयर प्रोडक्ट्स। जो हैवी हेयर प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आता है वो आता है हेयर वैक्स, हेयर जेल, क्योंकि वो हेयर स्टाइलिंग के यूज़ में होते हैं, इसलिए वो हैवी हेयर प्रोडक्ट्स होते हैं। और जो लाइट हेयर प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं हेयर क्रीम और हेयर सीरम। आप हैवी हेयर प्रोडक्ट्स को आप रात को लगा के सो नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगर आपने उन्हें अप्लाई किया अपने हेयर्स पे तो आपको उन्हें वॉश करना चाहिए सोने से पहले। लेकिन जो लाइट हेयर प्रोडक्ट्स है आप उन्हें यूज़ करके एक दिन तक रख भी सकते हैं, उनसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। गाइस, आज की जो फिफ्थ टिप है वो ये है कि चूज अ गुड शैम्पू फॉर योर हेयर। पहले तो आपको ये देखना है कि आपके हेयर्स कैसे हैं, वो स्ट्रेट हैं या स्मूथ हैं या सिल्की हैं या कर्ली हैं। जैसे मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ है, एज यू कैन सी। सो मैं यूज़ करता हूँ एक शैम्पू, मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज, मैं यूज़ करता हूँ ये वाला शैम्पू, इसका नाम है टर्ब न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसके इंग्रेडिएंट्स, गाइज, इसमें पैराबिन बिल्कुल भी नहीं है, और जिन शैम्पू में पैराबिन नहीं होता वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि पैराबिन वाले शैम्पूज़ जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। वो हमारे स्कैल्प में जाके जो हमारे हेयर्स के पोर्स होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देते हैं और हमें हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो ये ज़रूर देखें कि उसमें पैराबिन है या नहीं। सो मैं अपने हेयर्स को स्मूथ करने के लिए ये शैम्पू यूज़ करता हूँ, अगर आपको यूज़ करना है तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी आज की 5 टिप्स। अगर आप इन 5 टिप्स को प्रॉपर वे में फॉलो करोगे तो आई प्रॉमिस कि आपके हेयर्स पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नए वीडियो के साथ में।